नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने 17 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से बच्चों को अवैध रूप से निर्वासित करने और रूसी संघ में स्थानांतरित करने के लिए कथित युद्ध अपराध के लिए गिरफ्तार वारंट जारी किया है। अपराध 24 फरवरी 2022 से कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से किए गए थे। ICC की वेबसाइट एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पुतिन के अलावा रूस के बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा बेलोवा के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किए जा रहे हैं? पुतिन और बेलोवा कथित तौर पर अनुच्छेद 8(2)(a)(7) और 8(2)(b)(7)(8) के तहत यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्र से बच्चों के अवैध निर्वासन और बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के रोम संविधि के युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार बताए गए। आरोप में कहा गया कि यूक्रेन के तमाम बच्चों और किशोरों को रूस ले जाने के मामले में मारिया का सीधा हाथ है। ICC ने कहा कि उनके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है। पुतिन रोम के अनुच्छेद 25(3)(a) के तहत सीधे दूसरे के साथ संयुक्त रूप से या दूसरे के माध्यम से किए गए अपराधों के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं। कानून 2 रोम संविधि के अनुच्छेद 28(b) के अनुसार अपने प्रभाव अधिकार के तहत नागरिक और सैन्य अधीनस्थों पर ठीक से नियंत्रण करने में उनकी विफलता इस तरह के कृत्यों को करने या करने की अनुमति देती है। ICC क्या है? ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। इसकी स्थापना 1998 में रोम संविधि के नाम के एक संधि के तहत की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के आरोप में व्यक्ति की जांच करता है। नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता का अपराध की बात होती है, वहाँ जरूरत पड़ने पर वारंट भी जारी किया जाता है। वर्तमान में ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी सहित 123 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह कहते हुए अपनी दूरी बनाए रखी कि ICC को उन देशों के नागरिकों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो उनके पक्षकार नहीं है। इस तरह भारत और चीन ने भी सदस्यता से परहेज किया है। ICC की स्थापना सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए तब की गई थी जब देश की अपनी कानूनी मशीनरी कार्य करने में विफल रही, जैसा कि पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत, जो देशों और अंतर्राज्यीय विवादों से निपटता है, ICC व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। हालांकि ICC का अधिकार क्षेत्र जुलाई 2002 को लागू होने के बाद होने वाले अपराधों तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त अपराध या उस देश में किए जाने चाहिए जिनसे समझौते की पुष्टि हो या अनुसमर्थन करने वाले देश के किसी नागरिक द्वारा। ICC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ऐसे संदर्भित मामलों पर भी अपने पक्षकार क्षेत्र का अभ्यास कर सकता है। क्या ICC के पास रूस पर मुकदमा चलाने की शक्ति है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि इस कदम से ऐतिहासिक जवाबदेही पैदा होगी, जबकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के ICC सदस्य नहीं होने के कारण अदालत का कोई निर्णय अमान्य है। हालांकि यह कदम एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां पुतिन को हर बार यात्रा करने पर गिरफ्तारी का जोखिम उठाना पड़ सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह कदम पश्चिम में मौजूद प्रतिबंधों के साथ उनके मतभेदों को और गहरा करेगा। इसके अलावा यदि वो ICC के किसी देश की यात्रा करते हैं तो उस देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार उन्हें गिरफ्तार करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह पहली बार है जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नवंबर 2022 में ICC के एक अभियोजक ने युगांडा के गुड़वादी और लॉर्डन रेजिडेंट आर्मी के संस्थापक जोसेफ कोनी के खिलाफ युद्ध अपराध के आरोपों के साथ आगे बढ़ने की मांग की थी। कोनी अपहृत बच्चों को सैनिकों में बदलने और हत्या, क्रूर व्यवहार, गुलाम, बलात्कार और अपहरण के आरोपी होने के बावजूद अभी भी भगोड़ा घोषित है और आज़ाद है। क्या ICC के अधिकार क्षेत्र में यूक्रेन आता है? ICC के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यूक्रेन ने रोम संविधि पर दस्तखत नहीं किए जिसके जरिए ICC बनाया गया था, लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया था तो उस मामले में यूक्रेन ने ICC का ज्यूरिडिक्शन स्वीकार किया था। इसका मतलब यह है कि मेंबर नहीं होने पर भी यूक्रेन के इलाके में हुआ वार क्राइम ICC के न्याय क्षेत्र में माना जा सकता है। अनुच्छेद 12(3) में कहा गया है कि यदि किसी ऐसे राज्य की स्वीकृति की आवश्यकता है जो कानून का पक्षकार नहीं है तो राज्य संबंधित अपराध के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर सकता है। बच्चों के निर्वासन सहित कथित अपराधों का विस्तृत विवरण यूक्रेन पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की एक रिपोर्ट में दिया गया है जो एक संयुक्त राष्ट्र शासित खोजी निकाय है, जिसमें कहा गया है कि कुछ कार्य मानवता के खिलाफ अपराध हो सकते हैं। यूक्रेन पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच की एक रिपोर्ट में रूस पर यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ हमले कर अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से लोगों को यातना देकर और उनकी जान लेकर युद्ध अपराध करने संबंधित मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए गए। यह रिपोर्ट 16 मार्च को जारी की गई है, जिसमें पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे। यूक्रेन के मारियुपोल शहर में एक थिएटर पर रूसी हवाई हमले के एक साल बाद जारी संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सदस्य की घोर आलोचना की गई। मारियुपोल के जिस थिएटर पर उसने हवाई हमले किए थे वहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ले रखी थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन में बार बार बुनियादी अवसंरचनाओं को निशाना बनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को कड़ाके की सर्दी में बिजली और किसी भी तरह की ऊष्मा के बिना रहना पड़ा। इसमें कहा गया कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूसी बलों ने कब्जा किया, वहां के लोगों को सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित किया गया और उन्हें मार डाला गया। रिपोर्ट के अनुसार जांच में यह भी पाया गया कि रूसी भूभाग में रह रहे यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ अपराध किए गए, इसमें यूक्रेनी बच्चे को उनके परिवार से अलग कर देना भी शामिल है। इसके अलावा एक फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया जिसका उद्देश्य यूक्रेनी नागरिकों को अमानवीय परिस्थिति में हिरासत में रखना और उन्हें प्रताड़ित देना। आज के लिए दें इजाजत, ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।